आपन के भाई ला, आपन के बेटा ला। मैं गांव के एक किसान के बेटा, आज आपन के सबके आशीर्वाद से ये प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री के दायित्व में हो और बहुत अच्छा से छत्तीसगढ़ के राजला चलाना चाहत हन। तो मैं आप सबके आशीर्वाद चाहिए, आप सबके सहयोग चाहिए। आज के अवसर में मैं आप सब से आग्रह करत हूं और सबला मालूम है, हमारे पूर्वक्ता मन भी बताइन है कि जब 18वीं सदी में हमारे देश में समाज में छुआछूत ऊंच नीच अमीर गरीब छोटे बड़े एकर खूब बोलबाला रही से, तो हमारे छत्तीसगढ़ में परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जैसे संत शिरोमणि के अवतरण हुई जो पूरे समाज ला मनखे मनखे एक समान के नारा दईन उपदेश दईन और जो समाज के सबसे अंतिम छोर के व्यक्ति हैं उमन के उत्थान के बात करीन। ऐसे परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास जी आज उमन के बताए हुए मार्ग में हमन सब चलत हन, हमारे सरकार भी चलत है, हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के बताए हुए मार्ग में ही चलत है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भी नारा है, मूल मंत्र है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह हमारे प्रधानमंत्री जी के नारा है और वो भी बाबा गुरु घासीदास जी के जो उपदेश है ओला लेके चलत है और ये देश के हर वर्ग के कल्याण के उम्मीद भी काम करत है। आज 140 करोड़ भारतवासी मतलब अपन परिवार मानते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रात और दिन 24 घंटा में 18 घंटा ये देश के खातिर काम करत हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार भी उमन के मंत्र के आधार पर जब आपन उमन के गारंटी मोदी के गारंटी में विश्वास करके पिछले विधानसभा चुनाव में हमारा सरकार में बैठाओ, ओकर बाद लोकसभा के चुनाव में भी आशीर्वाद मिलिस, तो हमन बड़ा उत्साह के साथ काम करत हन। और आज हमारे वक्ता मन बतात रही हमार यहाँ के आपन के लोकप्रिय विधायक खुशवंत साहेब भी बतात रहीन कि कैसे छत्तीसगढ़ में काम साए साए होते होते कि नहीं।